हाय फ्रेंड्स, आज की मेरी रेसिपी है चंपारण एग करी। चंपारण चिकन तो आपने सुना ही होगा और चंपारण एग करी भी उसी तरह से बनता है, जो कि बनाना काफी सिंपल है। इसमें बनेगा ये एग करी और बहुत ही ऑथेंटिक टेस्ट आएगा, बिल्कुल ही डिफरेंट टेस्ट होता है बिहारी फूड का। और इसको हम खाएंगे पुलाव के साथ, क्योंकि इसमें करी ज्यादा नहीं होगी तो ये पुलाव के साथ खाने में काफी अच्छा लगेगा। जब हम किसी को लंच पे खाने के लिए बुलाते हैं, चाहे कभी कभी कुछ अलग खाने का मन करता है, तो हम इस तरह से इसको लंच के लिए बना सकते हैं। और आप किसी को भी इस तरह से बना के खिलाएंगे तो काफी अच्छा लगेगा और बिल्कुल ही डिफरेंट लगेगा। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं रेसिपी। एक करी बनाने के लिए मैंने ये चार अंडे लिए हैं, जिसको कि बॉयल कर लिया है। और जो एक करी में इंग्रेडिएंट्स मसाले पड़ेंगे वो ये सारे हैं। चार बड़े चम्मच मैंने गाढ़ी दही ली है, जिसको कि फेंट लिया है। 2 टीस्पून मैंने धनिया पाउडर लिया है। टेस्ट अकॉर्डिंगली मैंने सॉल्ट लिया है, जीरा 1 टीस्पून लिया है, 1/2 टीस्पून मैंने चिली पाउडर लिया है और ये 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर है रिफाइंड। और मैंने 2 टेबल स्पून लिया है और सरसों का ये तेल है, जो कि 4 टेबल स्पून है। इसके साथ मैंने लिए 2 टीस्पून ग्रेटेड जिंजर और 1 पोटी लहसुन की ली है। और ड्राई इंग्रेडिएंट्स में 1 टीस्पून साबुत धनिया, 1/2 टीस्पून जीरा, 2 हरी इलायची, 10 से 12 काली मिर्च और 4 लौंग। इन मसालों को रोस्ट करेंगे। और ये मैंने 2 बड़े अनियन लिए हैं, जिसको कि ग्रेट कर लिया। ये फेटी हुई दही में मिक्स करेंगे। सबसे पहले मैंने ये धनिया पाउडर डाला है और ये जीरा पाउडर ऐड कर देंगे। उसके साथ ही मैंने ऐड किया है लाल मिर्च पाउडर और हल्दी पाउडर, इसमें मिक्स कर देंगे। एक करी बनाने के लिए मैंने ये मिट्टी की हांडी ली है। इसको अच्छे से ऑयल से ग्रीस कर देने से इसमें जो खाना बनाएंगे तो वो बिल्कुल भी नहीं चिपकता है, इसलिए मैंने इसको ऑयल से ग्रीस करके इसको अच्छे से गरम कर लिया। और जो अंडे मैंने बॉयल किए थे उसको छील करके इस तरह से रख लिया है। अब दही जो है उसमें मिलाएंगे 2 टेबल स्पून वेजिटेबल ऑयल और 2 टेबल स्पून मस्टर्ड ऑयल। अब इस ऑयल के साथ अच्छे से सारे मसाले और दही को मिक्स कर लेंगे। अब इस तरह से ये दही का मिक्सचर रेडी हो गया। अब इसमें चारों अंडे जो बॉयल करके रखे थे उसको ऐड करके मैरिनेट होने के लिए रख देंगे। जब तक कि मसाले फ्राई करेंगे तब तक ये मैरिनेट होगा। 1 लहसुन की जो पोटी थी उसको भी इसी में डाल करके इसको अच्छे से मिला देंगे। चाहे स्पून से मिलाएं चाहे हाथ से, इसको अच्छे से मिक्स करके मैरिनेट होने के लिए रख देंगे। अब ये जो मैंने लिए हैं खड़े मसाले, जिसमें कि 1 बड़ी इलायची, 1 छोटी इलायची, 2 लौंग है, उसको कूट लेंगे। और ये हांडी को अच्छे से गर्म करने के बाद इसमें 3-4 स्पून मैंने मस्टर्ड ऑयल ऐड किया है। अब तेल को अच्छे से गर्म होने देंगे। तेल जैसे ही गर्म हो जाएगा इसमें जो मैंने खड़े मसाले लिए थे गर्म मसाले वो ऐड कर देंगे। ये खड़े मसाले जब ये पक जाएंगे तब इसमें ऐड करना है अनियन जो ग्रेट करके मैंने रखा था। इस तरह से मैंने जो अनियन ग्रेट किया था इसमें ऐड कर दिया। ये बहुत ही सिंपल रेसिपी है और इसका टेस्ट बहुत ही ऑथेंटिक है, बिल्कुल ही अलग ही टेस्ट है इसका। इस तरह से अंडा करी आपने नहीं बनाया होगा, एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और जब अनियन थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन हो जाएगा तब इसमें ऐड करेंगे जिंजर और इसके साथ इसको थोड़ा फ्राई करेंगे। तेज़पत्ता मुझे पहले ही डालना था, मैं भूल गई थी, तो अभी मैंने ऐड कर दिया तेज़पत्ता। और अब इसको फ्राई करने के बाद जो मैंने मैरिनेट करने के लिए रखा था मसालों के साथ अंडे को, वो ऐड करते जाएंगे। धीरे धीरे ऐड करेंगे क्योंकि अंडा बॉयल है तो वो टूटे ना, इसलिए इसको मैं धीरे धीरे ऐड कर रही हूँ। अब सारे मैरिनेट किए हुए अंडे को मैंने इसमें डाल दिया और उसके साथ ही जो बचा हुआ मसाला था वो भी लास्ट में डाल देंगे। और इसको धीरे धीरे हिलाएंगे, बिल्कुल ही हल्के हाथों से हिलाना है। इस तरह से देखिए मैंने इसमें ऐड करके ये सारे जो मैरिनेट वाले मसाले हैं वो भी डाल दिया। इसका कलर बहुत ही अच्छा लग रहा है देखने में। अब इसको चम्मच से धीरे से हिला करके इसको पकाना है। कभी कभी जब हमें किसी को खाने पे खिलाना होता है, लंच पे बुलाया, तो हल्का
लंच हम इस तरह से करा सकते हैं और बिल्कुल ही अलग लगता है इस तरह का लंच। अब इसमें मैंने एक पोटैटो डाला है जिसको कि 8 पीसेस में काट लिए छोटे छोटे टुकड़ों में, और छिलका इसमें लगा हुआ है। ये इस डिश का बहुत ही खास है। ऑयल आलू जो मैंने डाला है उसके साथ ही मैंने इसमें टेस्ट अकॉर्डिंगली सॉल्ट ऐड कर दिया है। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सॉल्ट और आलू को मिला करके धीरे धीरे मिलाएंगे ताकि ये टूटे नहीं बिल्कुल अंडा। इस तरह से धीरे धीरे हिलाएंगे इसको और थोड़ा सा इसको खुला रखेंगे हांडी को। धीरे धीरे हिलाने के बाद अब हांडी को कवर भी करना है क्योंकि मसालों को पकना है। तो इसके लिए इसका जो ढक्कन होता है हांडी का वो रखा है मैंने। इस तरह से इसको 1-2 मिनट पकाने के बाद इसको कवर कर देंगे। देखिए इसको मैंने कवर कर दिया और इसके साइड को सील करना है ताकि अच्छे से मसाला अंडे के साथ पक जाए और इसका फ्लेवर अंडे में भी आ जाए और रस भी अच्छा तैयार हो जाए। ये बहुत रस वाला नहीं बनेगा, हल्का रस होगा, सूखा हल्का ड्राई एक करी बनेगा। इस तरह से मैंने इसको आटे के इससे सील कर दिया। अब इसको 20 से 25 मिनट तक बिल्कुल ही लो फ्लेम पर पकाना है। अब जो ड्राई मसाले मैंने सूखे मसाले लिए थे साबुत, उसको रोस्ट करना है। तो कोई भी पैन लेंगे, छोटा सा पैन लिया है मैंने क्योंकि थोड़ा सा ही मसाला है। जब ये गर्म हो जाएगा तो इसमें मसाले डाल करके इसको रोस्ट करेंगे। और इस तरह से ये रोस्ट हो गया, आवाज़ आएगी चटकने की। और लौंग देखिए उड़ भी गया पकने के बाद। इस तरह से अब गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और मसालों को हल्का ठंडा करेंगे। अभी अंडा करी बन रहा है, 10 से 15 मिनट हुए हैं, अभी और 10 मिनट इसको पकाएंगे। तो ये जो रोस्ट किए थे मसाले उसको हल्का ठंडा कर लिया मैंने। अब इसको कूटना है। अम्बस्ता में मैंने डाल करके इसको अच्छे से कूट लिया। ग्राइंड नहीं करना है मिक्सर जार में, इसी तरह से ये गरम है हल्का और रोस्ट है तो ये अच्छे से कुटा जाएगा। और गरम मसाले का ये टेस्ट अंडा करी में बाद में ऐड करना है, बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा इसका। और अब ये देखिए अंडा करी इस तरह से बन रहा है। 20 से 25 मिनट के बाद मैंने गैस का फ्लेम ऑफ कर दिया और अब ये जो स्टीम है इसमें थोड़ा सा रहने देंगे। अंडा करी को मैंने उतार लिया, हांडी को इस तरह से नीचे रख लिया गैस से उतार करके। और अब ये हल्का अभी गर्म ही है इसलिए मैं इसे चाकू से निकाल रही हूँ। जो आटा का मैंने लेप लगाया था इस पर, इस तरह से ऑथेंटिक एक करी बन करके तैयार है। इस तरह से चंपारण एक करी सर्व के लिए रेडी है। इसमें डालेंगे थोड़ा सा ड्राई मसाला जो मैंने कूट के रखा था और इसको अच्छे से मिक्स करके इसको कवर करके रख देंगे। अब हमें बनाना है पुलाव, तो उसके लिए मैंने ये 3 कप राइस लिया है, बासमती राइस जो कि 300 ग्राम है इस कप से लिया है। और 2 बड़े अनियन लिए हैं। अनियन को लंबे लंबे पीसेस में चॉप करना है और राइस को साफ़ कर लेंगे। ये जो खड़े मसाले हैं थोड़ा सा पुलाव में डालेंगे। 1 तेज़पत्ता लिया है, थोड़ा सा एक बड़ी इलायची ली है और बिल्कुल थोड़ा सा मैंने सिनेमन स्टिक लिया है, दालचीनी लिया है। राइस को अच्छे से वॉश करने के बाद मैंने इसको छान लिया, छन्नी में रख दिया और प्याज के भी स्लाइस मैंने कर लिए हैं। इस तरह से पुलाव बनाएंगे। तो मैं प्रेशर कुकर में ही बना रही हूँ। पैन लिया है मैंने, उसमें ऐड किया है 1 से 2 टेबल स्पून प्योर घी। प्योर घी में ही बनाएंगे पुलाव, इससे इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। और ज़्यादा कुछ डालना नहीं है मसाले, तो इसका फ्लेवर जो आएगा बहुत ही अच्छा आएगा। अब ये जब घी अच्छे से गर्म हो जाएगा तो इसमें जो खड़े मसाले हैं तेज़पत्ता इलायची और दालचीनी ऐड कर देंगे। थोड़ा सा इसको पकाएंगे और उसके बाद इसमें अनियन डालेंगे जो कि मैंने चॉप करके रखा है। अनियन को ऐड करने के बाद इसमें बिल्कुल ही थोड़ी सी सॉल्ट डालना है ताकि अनियन जल्दी पक जाता है सॉल्ट डालने से। और इसको बिल्कुल ही लाल करके फ्राई करना है, गोल्डन ब्राउन से थोड़ा सा ज़्यादा लाल करना है ताकि इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आ जाए। इस तरह से देखिए अनियन कैरामलाइज हो रहा है और जब ये बिल्कुल लाल रेड कलर का हो जाएगा तब इसमें जो चावल रखा है छान करके वो ऐड करेंगे। इतना देर तक अनियन को फ्राई करना है ताकि अनियन का अच्छे से फ्लेवर आए। अब इसमें ऐड कर देंगे राइस जो कि मैंने
वॉश करके छान करके रखा था। एग में करी ज़्यादा नहीं है इसलिए पुलाव के साथ ये बहुत ही अच्छा लगेगा। आप पराठे के साथ भी इसे, लच्छे पराठे के साथ भी इस एग करी को खाएंगे तो काफ़ी डिलीशियस लगेगा। अब इसमें मैंने डाल दिया थोड़ा सा सॉल्ट और थोड़ी सी मैं चीनी डालूंगी। पुलाव में चीनी डाल दो तो इसका कलर थोड़ा सा अलग हो जाता है और ये अनियन भी कैरेमलाइज हो गया है तो उससे भी अलग ही कलर आएगा पुलाव का। इस तरह से इसको थोड़ा फ्राई करेंगे, ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, बिल्कुल ही लाइट पुलाव बनाया है मैंने। इसमें कोई भी मैंने ड्राई फ्रूट्स नहीं डाला है, ना तो अंडे में डाला है और ना ही इस पुलाव में डाला है। अब 3 कप मैंने राइस लिया था तो इस कप से मैं 6 कप इसमें पानी डालूंगी। और अगर आपको प्रेशर कुक नहीं करना है तो आप इसे ऐसे भी कवर कर सकते हैं, लेकिन मैं इसे प्रेशर कुक करूंगी तो इसमें 6 कप मैंने पानी ऐड कर दिया और अच्छे से इसको हिला दिया ताकि सारे जो प्याज और अनियन, तेल और नमक है मिल जाए। और उसके बाद इसका मैंने लीड लगा करके इसको प्रेशर कुक किया। 1 सीटी लगानी है, इससे बहुत ही अच्छा राइस बन जाता है, बिल्कुल भी गीला नहीं होता और बिल्कुल अलग अलग बनता है। 1 सीटी लगने के बाद गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और स्टीम निकलने के बाद देखिए इस तरह से पुलाव बन करके रेडी है। बिल्कुल ही एक एक दाने इसके अलग अलग हैं, बिल्कुल ही नहीं चिपकता है। और इस मात्रा से हम पुलाव बनाते हैं। अब अंडा करी भी तैयार है और पुलाव भी बन गया तो अब इसे सर्व करेंगे। आप किसी को भी ये खाना लंच पे खिला सकते हैं, बहुत ही स्वादिष्ट और ऑथेंटिक डिश है ये। चंपारण स्टाइल एग करी है। इस तरह से मैंने पुलाव और अंडा करी सर्व किया। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए फ्रेंड्स, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, बाय बाय। मिलते हैं अगली वीडियो में।